लोकसभा चुनाव है और इस वक्त इस लोकसभा चुनाव में सस्पेंस पर सस्पेंस है। एक तरफ यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट पर सस्पेंस है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सस्पेंस है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर है लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर कहां गायब हैं। इतना ही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र में भी इतने सस्पेंस हैं कि अगर इस पर से पर्दा उठ जाए तो हर कोई हैरान रह जाए। और ऐसे में आज हमें इन सभी सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर काफी जद्दोजहद कर रही है और इस वक्त उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि वहां से उम्मीदवार आखिर कौन होगा। इसमें 2 सीटें कांग्रेस से जुड़ी हैं, अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से मौजूदा सांसद हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दिया है। वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, हालांकि पिछली बार इस सीट पर स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे या नहीं, अभी ये तय नहीं है। तीसरी सीट है केसरगंज, जहां से बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर पिछले दिनों महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, इसके बाद से बीजेपी में उनका टिकट तय नहीं माना जा रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला 26 अप्रैल के बाद होगा। 26 अप्रैल के बाद इसलिए क्योंकि उससे इन 3 सीटों के तार जुड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर से आ रही सूचनाओं के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा वह केरल के वायनाड में चुनाव होने के बाद कर सकते हैं, ताकि वहां कोई गलत संदेश ना जाए। ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह की दावेदारी का ऐलान बीजेपी राजस्थान में चुनाव होने के बाद कर सकती है, ताकि वहां जाट वोटरों में कोई गलत संदेश ना जाए, क्योंकि महिला पहलवानों के उन पर आरोप लगाने के बाद जाटों के बीच उन्हें लेकर खासी नाराजगी रही। वहीं अगर बात करें प्रियंका गांधी के सस्पेंस की कि आखिर प्रियंका गांधी पर कब खत्म होगा सस्पेंस, तो पिछले कुछ समय में प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर उतनी सक्रिय नहीं दिख रही हैं जैसे कि पहले दिखा करती थीं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार की फ्रंट लाइन संभालने के बाद वह अचानक रहस्यमय तरीके से पर्दे के पीछे चली गई। इस आम चुनाव में भी उनकी भागीदारी सीमित ही दिख रही है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति बताई जा रही है। पार्टी के अंदर एक वर्ग दावा कर रहा है कि प्रियंका गांधी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही हैं। प्रियंका और उनकी टीम आम चुनावों के बाद बड़ी भूमिका में आ सकती हैं। पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव हो सकता है और इसकी पूरी कमान प्रियंका गांधी को मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके साथ कुछ चौंकाने वाले नाम भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि चुनावी रणनीतिकार भी ऐसी सूरत में कांग्रेस से जुड़ सकते हैं, जिनकी कांग्रेस में एंट्री होते होते पिछले दिनों रह गई थी। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन इस वक्त बीजेपी में भी सस्पेंस है। दरअसल आम चुनाव की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के अनुसार हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं। इसमें चल रहे कामों की समीक्षा कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। पीएम मोदी पहले ही मंत्रियों से कह चुके हैं कि चुनाव के कारण कामकाज नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इस मीटिंग में तमाम मंत्री प्रधानमंत्री से मिले संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मंत्री इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई तो क्या इस बार उनके लिए जगह बन पाएगी या फिर नहीं, जिसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कई और भी सस्पेंस है जिसको आपको बताते हैं। इस वक्त कश्मकश में पूरा एनडीए और इंडिया गठबंधन भी है। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में आम चुनाव में दोनों पक्षों के अंदर विरोधाभास और दुविधा साफ देखी जा रही है। पिछले दिनों सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों के अंदर सीटों पर समझौते को लेकर खासी उठापटक देखने को मिली। वहां स्पष्ट और सरल तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। दोनों पक्षों ने सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया। स्थानीय नेताओं के मुताबिक बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं है, दरअसल महाराष्ट्र में आम चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बाकी दल आम चुनाव से कहीं ज्यादा विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतित रहते हैं। एनडीए में चाहे शिंदे सेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी, या फिर महाविकास आघाड़ी में उद्धव सेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, इन सभी दलों के लिए विधानसभा चुनाव उनके अस्तित्व की असली लड़ाई मानी जा रही है। इसलिए वो इस आम चुनाव में विधानसभा चुनावों की तैयारी करते दिख रहे हैं।
साथ ही सभी दल मान रहे हैं कि आम चुनाव के परिणाम उनके दल की आगे की योजना को भी प्रभावित कर सकती है। यही कश्मकश बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चिंता में डाल रही है। इतना ही नहीं, कई और राज्यों में भी ऐसी कश्मकश और सस्पेंस देखने को मिल रही है और इसमें बिहार भी शामिल है, क्योंकि बिहार में भी सस्पेंस है। दरअसल बिहार में मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस शुरू में गठबंधन की गाड़ी में चढ़ने से वंचित रह गए। सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों से बार्गेन करते दिखे तो पारस को एनडीए ने चिराग पासवान के सामने किनारे कर दिया, लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी की लॉटरी लगी और उन्हें महागठबंधन में 3 सीटें मिल गईं। इससे वे मुख्य धारा में आ गए, लेकिन पारस अभी भी खाली हाथ रह गए। उन्हें गठबंधन में जगह नहीं मिल सकी, जिससे उन्होंने एनडीए को एक तरफा समर्थन देने की घोषणा की। उनका दावा है कि चुनाव के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा। खैर, ऐसा माना जा रहा है कि पारस अब अपने लिए राज्यपाल का पद चाहते हैं, जबकि उनके अन्य सहयोगी बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखते हैं। बीजेपी की पहली मंशा थी कि चाचा पारस अपने भतीजे चिराग से समझौता कर लें, लेकिन चिराग ने ऐसे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद हालांकि बीजेपी ने पारस से कोई ठोस वादा नहीं किया, लेकिन उनके सामने उम्मीद रखकर बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस को आगे बीजेपी क्या कोई बड़ा पद देगी, इस पर भी अभी सस्पेंस ही बना हुआ है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में काफी सस्पेंस है और जब इस पर से पर्दा उठेगा तो काफी खुलासे होंगे और उन खुलासे को श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।